हाय एवरीवन तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है यह वीडियो उसी का सेकेंड पार्ट है तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला है इन विच रेगुलेशन नंबर, कंडीशन फॉर साइट सिलेक्शन फॉर स्टेबिलाई रिजर्व स्टेशन इज गिवेन क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजर्व स्टेशन को स्टेबिलाईज करने के लिए साइट सिलेक्शन की कंडीशन किस रेगुलेशन नंबर में दी गई हुई है तो जो इसका राइट right आंसर हो जाएगा 189 में सी एम आर सी एम आर दो हजार सत्रह के रेगुलेशन नंबर वन में दिया हुआ है और 191 में दिया हुआ है शॉर्ट फायरिंग टूल्स 188 में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क 193 में दिया हुआ है यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दूसरा क्वेश्चन है द सेल फ्रॉम सुटेबल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क तो क्वेश्चन बोल रहा है बल्क में एक्सप्लोसिव को हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस को कौन तैयार करेगा तो जो इसका राइट right आंसर हो जाएगा माइन मैनेजर तीसरा नंबर क्वेश्चन है एवरी वहीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क सेल बी केयरफुली इंस्पेक्टेड इन एवरी बाई अ कंपिटेंट पर्सन तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बल्क में एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन का एक कम्पिटेंट पर्सन द्वारा कितने समय में सावधानीपूर्वक उसकी जांच की जाती है तो जो भी वाइकल है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एक्सप्लोसिव को इन बल्क में तो उसकी 24 घंटा में कम से कम एक बार जांच किया जाएगा और जांच कौन करेगा कम्पिटेंट पर्सन जांच करेगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा चौबीस घंटे में कम से कम एक बार उन वाइकल की जांच जो कि एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करती है क्वेश्चन नंबर चौथा है बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इन करेक्ट विल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव इन बल्क तो क्वेश्चन बोल रहा है बल्क में एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करते समय निम्न में से कौन सा गलत है तो जो भी कंडीशन है ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसमें से चार ऑप्शन में से एक इनकरेक्ट है उसी को हम लोग ढूंढना है तो ए नंबर है द वहीकल सेल भी प्रॉपरली अर्थ विथ अ चैन लिंक विल लोडिंग तो इसका मतलब है कि लोड करते समय वाहन को चैन लिंक के साथ अर्थ किया जाएगा तो ये सही है बी नंबर है द वहीकल सेल बी ओवरलोडेड हम लोग कभी ओवरलोड नहीं करना है वहीकल को जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एक्सप्लोसिव को उसको ओवरलोड नहीं करना है तो इसी का इनकरेक्ट ये ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है अभी क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर है हमको क्या ढूंढना था इनकरेक्ट कौन सा है तो इनकरेक्ट कौन सा है बी नंबर सी नंबर भी देख लेते हैं द वहीकल सेल नॉट बी ड्रेवन एट ए स्पीड एक्सीडिंग पच्चीस किलोमीटर पर आवर्स ये भी सही है जो भी वहीकल है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक्सप्लोसिव का तो उसकी जो स्पीड होगी मैक्सिमम पच्चीस किलोमीटर पर आवर्स होगी 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए डी नंबर है द बी इन आइसोलेटेड प्लेस विल लोडेड तो इसका मतलब है वाहन को लोड करते समय अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा अब क्वेश्चन नंबर पचमा है एट लीस्ट फायर एक्सटिंग सुटेबल साइज एंड कैपेबल ऑफ फाइटिंग इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोलियम फायर सेल बी प्रोवाइड इन इच वहीकल इन एन इजी एसेसिबल पोजिशन एंड मेंटेन इन स्टेट ऑफ रेडीनेस तो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा फायर एक्सटिंगर हो जो कि इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोलियम की आग बुझाने में सक्षम हो उपयुक्त आकार के और आसानी से सुलभ स्थान पर उपस्थित हो तो ये पूछ रहा है कि उसकी संख्या क्या होगी कितना फायर एक्सटिंगर रहेगा तो जो इसका राइट right आंसर होगा टू दो फायर सिंगर होता है इलेक्ट्रिकल एंड पेट्रोलियम की आग को बुझाने के लिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है छठवा नंबर क्वेश्चन है ओनली अ व्हीकल ड्यूली अप्रूव्ड बाय द सेल ओनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क तो बल्क में एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करने में जिस वाहन का यूज किया जाता है उसे कौन अप्रूव करता है तो जो भी हम लोग बल्क में एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो भी वाहन का यूज करते हैं जो भी व्हीकल का यूज करते हैं उसको अप्रूव कौन करता है कंपिटेंट अथॉरिटी तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवें काम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करता है सातवां नंबर क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी ट्रांसपोर्टेड इन बल्क एट वन टाइम टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग सेल नॉट एक्सीड द एक्चुअल क्वान्टिटी रिक्वायर फॉर यूज इन वन राउंड ऑफ शॉट्स एंड आल्सो नॉट बिफोर मिनट ऑफ द कमसमेंट ऑफ चार्जिंग ऑफ होल तो क्वेश्चन बोल रहा है जब हम लोग बल्क में एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लास्टिंग साइट पर लाएंगे तो उतना ही क्वांटिटी लाएंगे जितना कि एक राउंड में हमको ज़रूरत है चार्ज करने के लिए उससे ज़्यादा हम लोग नहीं लाएंगे और होल को चार्जिंग शुरू करने के कितने मिनट पहले भी नहीं लाया जाएगा जैसे कि हम होल को चार्ज कर रहे हैं तो 30 मिनट पहले भी हम लोग ला नहीं रख रखेंगे कि एक्सप्लोसिव को हम लोग 30 मिनट पहले ला रख दिया ऐसा नहीं करना है तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिनट तो जैसे कि होल को दोपहर के 12 बजे हमको चार्ज करना है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको ग्यारह बजे ही ला रख दें एक्सप्लोसिव को ऐसा नहीं करना है उसको तीस मिनट के अंदर ही लाना होता है तीस मिनट पहले नहीं लाएंगे क्वेश्चन नंबर अठवा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क टू द प्राइमिंग स्टेशन और द साइट ऑफ ब्लास्टिंग सेल बी डन ओनली ड्यूरिंग हॉर्स तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइमिंग स्टेशन या ब्लास्टिंग साइट तक बल्क एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्ट कब किया जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा डे लाइट को क्वेश्चन नंबर नौवा है द इंटायर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क विद इन एन ओपन कास्ट माइंड सेल अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ ए कंपेटेंट पर्सन होल्डिंग एट लीस्ट एन ऑफ कंपेटेंसी तो क्वेश्चन सिंपल है बोल क्या रहा है ओपन कास्ट माइंड में बल्क एक्सप्लोसिव कि इंटायर ऑपरेशन के ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कौन लेगा एक कम्पिटेंट पर्सन के अंडर किया जाएगा तो उस कम्पिटेंट पर्सन की योग्यता पूछ रहा है तो जो उसकी योग्यता होगी ओभरमैन सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होगा जो भी कम्पिटेंट पर्सन होगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन के इंटायर ऑपरेशन का चार्ज लेगा बल्क एक्सप्लोसिव के इंटायर ऑपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लेगा वो तो वो कौन होगा ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होगा क्वेश्चन नंबर दसवा है इन विच रेगुलेशन नंबर कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क इज तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से रेगुलेशन नंबर में कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क दिया हुआ है तो जो इसका राइट right आंसर हो जाएगा 188 ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क वन एट्टी एट में दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर वन एट्टी एट में और वन एट्टी नाइन में है रिजर्व स्टेशन इसको हम पहले भी बता चुके हैं और वन नाइन्टी में है शॉर्ट फायरर्स वन नाइन्टी वन में है शॉर्ट फायरिंग टूल्स तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ग्यारह नंबर क्वेश्चन है गिव एन स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट एनफो शुड नॉट बी यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट इन्फो का उपयोग अंडरग्राउंड कोल माइंस में नहीं किया जाएगा तो इसका राइट आंसर करेक्ट होगा एनफो का यूज अंडरग्राउंड माइंस में नहीं किया जाता है इसका यूज ओपन कास्ट माइंस में किया जाता है बारहमा नंबर क्वेश्चन है ओनली द नेसेसरी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन शुड बी अलाउड टू बी प्रजेंट एट और विद इन मीटर ऑफ द प्रेमिसेस वेयर द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज बिंग डन बाई बी एम डी सिस्टम तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जहाँ मिक्सिंग बी एम डी सिस्टम से की जा रही है वहाँ कितने मीटर के अंदर केवल आवश्यक और न्यूनतम संख्या के व्यक्ति को भीतर उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए दी जाएगी तो जहाँ पे हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं बी एम डी सिस्टम से तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पंद्रह मीटर के अंदर आवश्यक जो भी व्यक्ति की जरूरत है और कम से कम संख्या में व्यक्ति को ही वहां पे अलाउ किया जाता है जहां पर बीएमडी से मिक्सिंग किया जाता है तो जो इसका राइट आंसर हो गया पंद्रह मीटर ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं द एरिया सराउंडिंग द बी एम डी वहीकल नॉट लेस देन मीटर इन ऑल डायरेक्शन सेल बी केप्ड फ्री ऑफ रविस्ट ड्राई ग्रास और अदर मटेरियल ऑफ कम्बस्टेबल नेचर तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी वाहन के आसपास के एरिया के कितने मीटर के अंदर सभी दिशाओं में कूड़ा कचरा सूखा घास या कोई अदर मटेरियल जो कि कम्बस्टेबल नेचर का है अलाउ नहीं किया जाएगा तो क्वेश्चन तो आप लोग को समझ ही आ गया होगा ये बी एम के केस में पूछ रहा है कि बी वाहन के आसपास कितने मीटर के अंदर कूड़ा कचरा सूखा घास या कोई भी अदर मटेरियल जो कि कंबेस्टेबल नेचर का है अलाउ नहीं किया जाएगा तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंद्रह मीटर फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है नो स्मोकिंग एंड नो ओपन फ्लेम सेल बी अलाउड विद इन रेडियस ऑफ मीटर ऑफ द बी एम डी वहीकल तो बी एम डी वाहन के कितने मीटर के रेडियस में ध्रुवपान और खुली आग की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इसका राइट आंसर होगा साठ मीटर ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा एक ही जगह दिया हुआ है साठ मीटर का डाटा तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है बी एम डी के कितने मीटर के अंदर हम लोग क्या नहीं होना चाहिए स्मोकिंग नहीं होगा और कोई भी ओपन फ्लेम नहीं रहेगा तो बी एम डी के, के केस में ही ओनली साठ मीटर का डाटा है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है बी एम डी स्टैंड फॉर तो BMD का क्या मतलब है बल्क मिक्स डिलीवरी सॉरी बल्क मिक्स डिलीवर बल्क मिक्सिंग डिलीवरी बल्क मिक्सर डिलीवरी और बल्क मास डिलीवरी तो जो इसका राइट right आंसर होगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है तो यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और माइनिंग प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद